अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग अब्दुल रऊफ साहब, हमारे समद साहब और हमारे काफ़ी यहाँ के साथियाँ उस्मान नगर में हम लोग मौजूद है। यहाँ पे लापरवाही की इंतहा जो बोल सकते वो यहाँ पे आज मौजूद है। उस्मान नगर जो कि महेश्वरम कॉन्स्टिट्यूंसी है, यहाँ के जो सविता मैडम, सविता इंद्र रेड्डी मैडम यहाँ के जो एजुकेशन मिनिस्टर है, उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी में पिछले 18 से 20 दिन से पानी भरा हुआ है, जो कि हुकूमत से हर कोई नुमाइंदगी कर रहा है इस पर कि इस पर कुछ एक्शन लिया जाए, मगर किसी के कान पे कोई जू नहीं दौड़ रही। सब लापरवाही की इतनी इंतहा हो गई यहाँ पे। ये जो तालाब है, तालाब के ये साइड जो उस्मान नगर में पानी भरा हुआ है, उसकी आज एक मिसाल, आप लापरवाही की मिसाल ये देख सकते कि यहाँ पे अभी अब डेड बॉडीज़ निकलना शुरू हो गए। हालांकि मैं कई दिन से बोल रहा हूँ कि यहाँ पे लोग जो है सो ला के राशन पानी बांट रहे हैं, खैर अल्लाह उनको उसका अजर देने वाला है, मगर इसकी ये हल नहीं है कि यहाँ पे किसी को ला के खाना दे दे या पानी दे दे, बर्तन दे दे, उससे उसका हल नहीं हो रहा। हल ये है कि यहाँ के पानी निकालना बहुत ज़रूरी है, मगर यहाँ से कोई पानी की, कोई गवर्नमेंट की तरफ से पहल नहीं हो रही। जितनी भी यहाँ पे सामान पहुँच रहा, ये सब जो है सो लोग खैर का काम करने, पर्सनल अपने अपने तरीके से कर रहे हैं। गवर्नमेंट की पूरी लापरवाही है। अभी यहाँ से लाशें निकलना शुरू हो गई। अभी एक डेड बॉडी आज इतनी वो यहाँ पे महसूस हो रही है, यहाँ पे ठहर नहीं सकते, उतनी ख़तरनाक वो है। और साथ ही साथ ये अभी ऐसे घरों में कितने डेड बॉडीज़ है, कितने लाशें हैं, वो इसका किसी को पता नहीं है। अभी गवर्नमेंट को चाहिए था कि यहाँ से घरों की इंक्वायरी करते, यहाँ पे रेस्क्यू टीम को भेजाते, मगर कोई गवर्नमेंट की पहल नहीं हो रही। गवर्नमेंट पूरी कंप्लीट तरीके से लापरवाही और फेलियर होते जा रही, और GHMC के इलेक्शन की तैयारी में उन लोग लगे हुए हैं। पूरे मीटिंग्स हो रही, डबल बेडरूम दूसरे एरियों में डबल बेडरूम को देने के प्रोसेस चल रहा, मगर ये यहाँ पे क्यों इतना जो है सो ये मुसलमानों के एरिया में क्यों इतना जुल्म कर रहे हैं ये लोग, कितना इनका जुल्म इतना हो रहा कि यहाँ पे डेड बॉडीज अभी भय के आ रही। हम दूसरे एरियों में, कई दूसरे एरियों में कुत्ते बिल्लियों के बॉडीज़ नहीं मिलते, यहाँ पे मुसलमानों के एरियों में इंसानों के डेड बॉडीज़ मिल रही। ये हद से ज़्यादा जुल्म है। यहाँ पर गवर्नमेंट को चाहिए इमीडिएट एक्शन ले, मगर हर 20-25 दिन से हुकूमत से हर कोई नुमाइंदगी कर रहा, मगर कोई नुमाइंदगी पे काम नहीं हो रहा। मैं हैदराबाद दक्कन के उलमा इकराम से मैं गुजारिश करूंगा कि कम से कम आप लोग अगर कुछ अपने कामों से फ्री हो गए तो अब तो भी इसमें इन्वॉल्व होइए, यहाँ पे आइए, यहाँ का दौरा कीजिए, यहाँ पे दौरा करके हुकूमत से नुमाइंदगी करिए। आप लोग हमेशा नुमाइंदगी कर रहे हैं, जब वक्त सेक्रेटेरिएट के मस्जिदों के ताल्लुक से भी आप लोग गए CM साहब से नुमाइंदगी करे, से अल्लाह के घरों के लिए नुमाइंदगी करे, अल्लाह के बंदों के लिए भी नुमाइंदगी करिए। जाके लोग उलमा इकराम पूरे बोलिए कि यहाँ पे हज़ारों मुसलमान पानी में डूबे हुए हैं, तबाह हो गए, जिंदगियाँ तबाह हो गए, लोग इनको खाना ला के दे रहे हैं, खा ले रहे हैं, ज़िंदगी गुजार रहे हैं, ये हल नहीं है। इसके साथ कई ऐसे घर हैं जो कि कितने और मासूम बच्चे, औरतें कितने हैं घरों में, पूरे के पूरे फैमिलीज तबाह हो गए। इन लोग के लिए उलमा इकराम से मेरी गुजारिश है कि वो जाके CM साहब से, क्योंकि CM साहब किसी के सुनने वाले नहीं है, उन्होंने अपने नशे में मस्त है, उनको इख्तदार का नशा और कई नशे, कितने उनको नशे चढ़े हुए हैं मालूम नहीं, उनको मुसलमानों के ताल्लुक से कोई परवाह नहीं है। अब सिर्फ एक रास्ता रह गया, अगर अभी भी उलमा इकराम उठ के जो है सो इस ताल्लुक से, उस्मान नगर के ताल्लुक से नुमाइंदगी नहीं करेंगे तो मालूम नहीं यहाँ का क्या हशर होने वाला है। और अभी हम लोग यहाँ से इंशाल्लाह भी कलेक्टर साहब के पास जाएंगे, कलेक्टर साहब को इन्फॉर्म करेंगे कि यहाँ पे रेस्क्यू टीम चाहिए और हर घर की तलाशी होना चाहिए, हर घर में, और कितने घरों में डेड बॉडीज़ है वो पूरे बॉडीज़ निकालने के लिए हम यहाँ से अभी कार्रवाई शुरू करेंगे इंशाल्लाह।